वेलकम गाइस, एसके व्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक होम थिएटर रखा हुआ है और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी जो इसकी हीट सिंक वगैरह सर यहाँ पर कस रहे हैं, मैं आपको इधर से इंटरफेस इसका कुछ दिखा देता हूँ। इस तरह का है, देखिए यहाँ पर ये, और इसमें अलग से देखिए एक चीज़ करी गई है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अलग से जो ब्लूटूथ कार्ड है वो हमने अलग से लगाया हुआ है इसके अंदर, मतलब कि अलग से जुगाड़ कराया इसके अंदर, क्योंकि ब्लूटूथ जो है इसका कनेक्ट नहीं हो रहा था, शायद इसके अंदर था नहीं, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया था और यहाँ पर ये रिपेयर करा है। इसके अंदर फॉल्ट क्या, देखिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपके इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, फ्री में आप सीख सकते हैं हमारा काम। तो देखिए हम जो काम करते हैं काफ़ी बिल्कुल जो है जेन्युइन करते हैं, बिल्कुल सफाई के साथ करते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो देखिए, चलिए मैं आपको इसमें दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। इसके अंदर फॉल्ट ये था कि जैसे हम सेट को ऑन कर रहे थे ना, मतलब जैसे हमने ये पावर वाली कोड है, ये मेन लीड हमने यहाँ से सेट ऑन किया कि ये यहाँ पे ऑन कर दिया, अब तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है अब तो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा था, कुछ देर बाद इसमें 5-6 सेकंड बाद ही हूँ कि मतलब बहुत जोर से आवाज आने लगती थी। और हमिंग टाइप के आते थे ये जो पैनल है ना, ये डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, ऑक्स वगैरह जो भी लिख रहा है, ये सब बंद हो जा रहा था, बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो पा रहा था। और फिर इसमें बेस में सिर्फ हमिंग रह जा रही थी, और ये आईसी इतनी गर्म हो जा रही थी इसकी, बहुत ज़्यादा ये हीट सिंक आईसी सारी, कि इसमें से धुआं आने लगता था। तो कस्टमर ने कहा कि इसमें बहुत अजीब प्रॉब्लम है, सारी चीज़ से भी चल रही है लेकिन कुछ समय बाद ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, आधा मिनट बाद, 1 मिनट बाद, बस यही 1 मिनट से ऊपर नहीं कूदता था। तो फिर मैंने देखा, मैंने सीरीज बल्ब में लगाया, 2-3 सेकंड सही चला, 30 सेकंड में बल्ब हाफ ग्लो हो गया। तो मैंने देखा कि भाई इसमें कोई ना कोई आईसी प्रॉपर काम नहीं कर रही, या हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें प्रॉब्लम है, या हमारे ये कैपेसिटर है प्रॉब्लम है। तो मैंने ये कैपेसिटर भी चेक किए, हिला जुला के अच्छे से चेक करे, कोई दिक्कत नहीं लगी। मैंने दोनों पे वोल्टेज चेक करी, सेम थी लेकिन कम थी, मैं भाई 12 से 15 के बीच में आनी चाहिए दोनों पे कैपेसिटर पे, तो कितनी आ रही थी, 3-3.5 वोल्टेज आ रही थी, क्योंकि वो सीरीज में लगा हुआ था। फिर मैंने चेक किया, चारों डायोड चेक करे, डायोड एकदम ओके मिले, कोई दिक्कत नहीं आई, कंटिन्यूटी वगैरह सब बिल्कुल फिट मिली। फिर ट्रांसफार्मर चेक किया, ये तार हटा करके, ये 3 तार हुए हैं 12-0-12 के, ये 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर है, मैंने तार हटाए, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर सही लगा। मेरा दिमाग खराब कि भाई ये फॉल्ट है कहाँ पे। तो फिर मैंने क्या किया, तार लगा करके मैंने देखा कि यहाँ पे इस तरह से हाथ लगा लगा करके देखा चारों आईसी पे, तो मुझे क्या लगा, इसमें एक आईसी ओवर हीटिंग लगी। तो मैंने क्या किया दोस्तों, उस आईसी की फिर यहाँ से सेट को ऑफ करके इस तरह से उसकी रीडिंग चेक कर, रीडिंग कहाँ कहाँ पे, ये देखिए, जैसे ये आईसी है, जैसे ये आईसी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये आईसी के टेस्ट पॉइंट कौन से होते हैं, देखिए ना, दो को हटा देता हूँ, शुरू को इंटरगेटिव और नॉन इंटरगेटिव पिन को हटा देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 3, 4, 5, तो इन ये हमारे टेस्ट पॉइंट होते हैं, 3 और 5 हमारे सप्लाई पॉइंट होते हैं और 4 नंबर हमारा आउट होता है। तो रीडिंग भी बिल्कुल सेम आ रही थी, बट एक दो रीडिंग का दिक्कत आ रही थी, मतलब रीडिंग में मुझे लगा ऐसा कि रीडिंग में प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि भाई यही आईसी ओवर हीट हो रही है, इसकी रीडिंग में भी दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने करा क्या, इस आईसी को टेम्परेचर चेक किया, तो देखा टेम्परेचर को ओवर हीट हो जा रहा था इस आईसी को निकालने के बाद। फिर मैंने टेस्ट किया, कम से कम 10-15 मिनट चेक किया, होम थिएटर में कोई इश्यू नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, इस आईसी को निकाल करके आईसी को चेंज कर दिया, और अब देखिए हमारा होम थिएटर बिल्कुल कम्प्लीटली ओके है, देखिए अब बिल्कुल कोई हमिंग नहीं है। मतलब किसी विश के अंदर एक आईसी की दिक्कत थी, हाँ, मतलब एक आईसी खराब होने से भी इतना बड़ा फॉल्ट बनता है कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई। देखिए अभी हमारा सेट बिल्कुल ओके है, अब इसमें क्या क्या सिस्टम डला है देखते हैं। ये XLR सॉकेट हमारा टूटा हुआ था, हमने ये चेंज किया, ठीक है, उसके बाद में ये आईसी चेंज करी, एक तो छोटा मोटा वायर टूट गया था, वो मतलब काम करती बार तो हमने लगाया, और हमारा सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल रेडी था टू वर्क है। मतलब कि सर इसमें एक चीज़ बताइए, जैसे कि मान लीजिए इसमें जो हमारे ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो आईसी में आती है या किसी और चीज़ में भी आ सकती है? मोस्टली ज़्यादातर जो लोकल होम थिएटर होते हैं या कंपनी के भी होते हैं, वो मोस्टली आईसी की दिक्कत बनती है। आईसी की क्यों बनती है, क्योंकि यही चीज़ इसमें ऑपरेटिंग कराती है साउंड सिस्टम के लिए, तो ज़्यादातर यही दिक्कत बनती है, या तो आपकी आईसी या आपका ट्रांसफार्मर, या किसी वजह से ज़्यादा पुराना हो गया सिस्टम तो ये जो कैपेसिटर है ये लूज़ हो जाते हैं। अगर लोकल असेंबल बनाया हुआ सिस्टम है या कोई वायर टूट जाता है, बस ये ज़्यादा दिक्कत आती है सिस्टम के अंदर। तो ये तो हो गया फॉल्ट को, और जैसे कि मतलब कि आईसी लगी है तो इनमें आईसी कुछ चेंजेस वगैरह मतलब किस एंगल की लगा सकते हैं? ये हमारे ऐसे हैं, ये जो आईसी लगी होती हैं, 4 आईसी हैं, चारों आईसी में दोस्तों 2 तो होती है हमारी आउटपुट की, 2 होती है हमारी पहले यहाँ पे सीरीज बन करके ब्रिज बना दिया जाता है, तो वो तो क्या है, वो बेस चलाने के लिए होती है, यहाँ जो इंटरनली स्पीकर होता है, तो वो हमारे यहाँ पे
इसमें क्रॉसओवर बना दिया जाता है 4558 द्वारा, तो उन दोनों आईसी में से एक आईसी के खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो वो लो आईसी होती है 2050 भी लगा सकते हैं, बेटर है 2050 क्योंकि वो 30+30 वाट की होती है, मतलब 30 वाट ये वाली आईसी, 30 वाट ये आईसी। और यहाँ पे लगा देते हैं बहुत से 20-30 आईसी, तो वो गलत है। 20-30 हमारी लगती है सैटेलाइट स्पीकर पे, यानी कि आउटपुट के लिए जो यहाँ पे स्पीकर लगते हैं 20-30 आईसी, और जो यहाँ जो आईसी लगती है वो लगती है 2050 जो बेस के लिए होती है, क्योंकि बेस के लिए काफी अच्छा पंच चाहिए तो ओवर हीटिंग का इश्यू रहता है, वाटेज कम होंगे, तो हमें यहाँ पे जो आईसी है 2050 लगानी होती है। यानी कि नॉर्मली जो है हमारी अलग अलग चीज के लिए अलग अलग आईसी लगती है। हाँ, अगर आप सेम लगाते हैं तो कुछ समय बाद कस्टमर फिर आएगा, आपको कहेगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, मतलब सिस्टम आपको परेशान करने लगेगी, यानी कि इसके अंदर आप ये कि लग जाओ अपने काम से नफरत होने लगी, यार मेरे काम में ऐसी कंप्लेन आ रही है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे ये लगनी है, अगर आप ये चीज स्टडी कर लोगे, ये चीज हमसे सीख लोगे चैनल द्वारा, तो वो दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो इसमें जो एक वो बोलते हैं वो मतलब ट्रायंगल आईसी, वो उसका ट्रायंगल ओरिजिनल आईसी होती है, एक एसटी कंपनी होती है, जैसे आप सपोज कीजिए पेचकस है, ये पेचकस सब कंपनी बनाती है, अच्छी अच्छी कंपनी बनाते हैं, जैसे टपारिया वो ओरिजिनल पेचकस बनाते हैं, अदर टूल्स भी बनाते हैं, सबकी कंपनी का अपना अपना हिसाब है, लेकिन वही है ना भाई किस कंपनी का अच्छा चलता है किसी का नहीं, तो इस हिसाब से ट्रायंगल की आईसी होती है वो काफी अच्छी चलती है, मतलब ये वाली आईसी हम लगा सकते हैं। हाँ, काफी चलते हैं कंपैरिजन टू एसटीआईसी, हम एसटीआईसी भी यूज करते हैं, ट्रायंगल भी, ट्रायंगल आईसी काफी अच्छी चल जाती है। इसके अंदर गाइस आपने देख सकते हैं यहाँ पर 5 एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर वगैरह, इसमें कैपेसिटर भी यहाँ पर 25 वोल्ट 4300 UF का लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये कैपेसिटर तो, हाँ ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो नॉर्मली जो दिक्कत आती है वो आईसी के आती है, मतलब कि आवाज वगैरह की जो दिक्कत आती है, आपको फुल वीडियो भी एसके इलेक्ट्रॉनिक वर्क पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, काफी अच्छी आपको वीडियो वहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। जो भी चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनको पता ही है कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर वीडियो आती है, कमेंट करके जरूर बता देना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगा गाइस, बहुत ही अच्छी हम वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट में जरूर बताना आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।